संदीप अरुणिता इस वक्त सारा फोकस अपने करियर पर दे रहे हैं। लगातार वो किसी न किसी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म मेकर मधुर भंडारकर से मिलते भी नजर आए थे। उसके बाद वो किसी प्रोग्राम के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त उनके डांस प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि किसी शूट के लिए अरुणिता पवन डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं अब खबरें ऐसी भी हैं कि बहुत जल्द अरुदीप दोनों सुपरहिट शो द कपिल शर्मा में नजर आने वाले हैं। द कपिल शर्मा शो जहां अच्छे अच्छों की पोल खुलती है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अरुदीप सिर्फ लोगों का एंटरटेन करने के लिए ही द कपिल शर्मा शो में नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने किसी गाने का प्रमोशन करने आ रहे हैं। यकीनन इस शो में आकर अरुदीप की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, शायद इसी शो से लोगों को वो जवाब मिल जाएगा जो अरुदीप के रिश्ते का सच जानना चाहते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर क्या अब भी अरुदीप अपने रिश्ते का सच छुपा रहे हैं? क्या अब भी ये दोस्ती का ही रिश्ता बताते हैं, या फिर अभी इनके रिश्ते का सच एक अफवाह ही है? यहाँ आकर एक बार फिर अरुदीप अपनी आवाज से लोगों का एंटरटेनमेंट करने वाले हैं, और सबसे बड़ा इंतजार तो इनके गाने का हो रहा है, जिसकी वजह से अरुदीप इस शो में आने वाले हैं। आशंका लगाई जा रही है कि अरुदीप अपना कोई ना कोई गाने का प्रमोशन करके धमाल मचाने वाले हैं। वेल, अगर आप भी इस जोड़ी को फिर से एक साथ गाना गाते देखना चाहते हैं तो इनके लिए कमेंट जरूर करें। अगर एक ही शहर के लोगों की किसी दूसरे शहर में मुलाकात होती है तो दिल में किस तरह की उथल पुथल होती है, वो आप पवनदीप राजन और सुपरस्टार डांसर फोर की क्यूट गर्ल फ्लोरिना से जान सकते हैं। जी हाँ, पवनदीप और फ्लोरिना दोनों ही पहाड़ी हैं। जहाँ पवनदीप उत्तराखंड के हैं तो वहीं फ्लोरिना असम से आती हैं। लेकिन दोनों जब मिले तो इन्हें ऐसा फील हुआ कि इनका न जाने जन्मों का नाता है। जी हाँ, पवनदीप ने एक बार फ्लोरिना के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। उन्होंने सुपर डांसर फोर के सेट पर फ्लोरिना से मिलने से पहले उनके बारे में बताया था कि वो उनकी फेवरेट कंटेस्टेंट है। फ्लोरिना एक ऐसी डांसर हैं जो सेट पर आती हैं तो हर किसी का दिल जीत लेती हैं। शिल्पा से लेकर गीता कपूर तक फ्लोरिना की दीवानी है। फ्लोरिना अपनी आवाज और मासूमियत से किसी का भी दिल जीत लेती हैं, किसी का भी दिन बना देती हैं। फ्लोरिना अक्सर अपनी डांस परफॉर्मेंस करते वक्त अपने पापा की टी शर्ट पहन कर आती हैं। फ्लोरिना का कहना है कि ये टी शर्ट उन्हें बहुत प्रेरित करती है। सोचिए, जब फ्लोरिना और पवनदीप की मुलाकात हुई होगी तो वो कितना खुश हुई होंगी। जी हाँ, जब फ्लोरिना पवनदीप से मिली तो वो खुशी के मारे उछलने लगी। उन्होंने पवनदीप को गिफ्ट के तौर पर शॉल पहनाई। वहीं पवनदीप ने भी फ्लोरिना को उत्तराखंड की टोपी पहनाई। फ्लोरिना पवन भैया कहती हुई उन्हें हक करती हैं। पवनदीप से मिलकर फ्लोरिना बहुत खुश हुई। पवनदीप ने कहा कि मुझे फ्लोरिना से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हमारा बहुत पहले का रिश्ता है, जबकि हम पहली बार ही मिल रहे हैं। इंडियन आइडल खत्म हो चुका है, लेकिन इस सीजन के कंटेस्टेंट का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पवनदीप, अरुणिता, दानिश, शनमुखप्रिया, निहार तारो जैसे कंटेस्टेंट के लिए इस शो पर बिताए पलों को भूलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बेशक इस सेट ने इन कंटेस्टेंट को बहुत कुछ दिया, जिन्हें ये हमेशा याद रखेंगे। दानिश से तो जितना हुआ उन्होंने इस सेट के कई मोमेंट की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट की, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। बेशक करियर के लिए तो सब यहाँ आए थे, लेकिन इसके अलावा इन कंटेस्टेंट ने जो पल जिए हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और यादगार बताए जा रहे हैं। आदित्य नारायण भी इन कंटेस्टेंट से इतना घुल मिल गए थे कि इन्होंने भी इन कंटेस्टेंट के साथ खूब मस्ती की। इनकी एक मस्ती भरा वीडियो सामने आया है, जिसमें आदित्य नारायण अरुणिता शनमुखप्रिया के बीच में बैठे हैं। उनके पीछे पवनदीप, दानिश और निहार तारो खड़े हैं। आदित्य नारायण इन सभी कंटेस्टेंट के साथ बैठकर वीडियो बनाने को कहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वीडियो में सभी कंटेस्टेंट सोफे पर बैठे बैठे कूद रहे हैं, पागलों की तरह हाथ पैर फेंक रहे हैं। पवनदीप तो इस वीडियो में बहुत ही क्यूट अंदाज में कूदते और हाथ पैर फेंकते नजर आ रहे हैं। वहीं अरुणिता भी फनी वीडियो बनाने में मग्न हो जाती हैं। वो आदित्य नारायण के साथ ऐसी घुल मिल जाती हैं कि उन्हें खूब पसंद किया जा रहा है। उनका ये फनी अंदाज बहुत पसंद किया जा रहा है। आदित्य नारायण जब इस वीडियो को बनाकर खुद देखते हैं तो हंसी से पागल हो जाते हैं। अपनी ही वीडियो देखकर सबके सब उछलने लगते हैं। ऐसे ही कई सारे वीडियोस इन कंटेस्टेंट के साथ में शूट किए गए हैं, जिन्हें फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। आदित्य नारायण ने भी इस बार के सीजन के सभी कंटेस्टेंट की खूब तारीफ की।
खास बात ये भी है कि अरुणिता, साइली, शर्मिला कुरिया जैसी लेडीज कंटेस्टेंट आदित्य नारायण को भैया बोलती नजर आई थी। आदित्य नारायण तो अरुणिता को स्टेज पर छुपाते भी नजर आए थे। जब आखिरी दिन अरुणिता गाना शूट कर रही थी तो वो रोने लगी थी। आदित्य नारायण ने उन्हें स्टेज पर गले लगाया और शांत करवाया। आदित्य के लिए भी ये यादगार पल रहेगा। पवनदीप और अरुणिता जल्द ही एक गाने में नजर आने वाले हैं, जिसका हाल ही में टीजर लॉन्च किया गया। इस गाने में उनके साथ शनमुख प्रिया भी होंगी। टीजर लॉन्च पर आरजे सिद्धार्थ कनन ने अरुणिता और पवनदीप से उनकी दोस्ती को लेकर उनके लड़ाई झगड़े तक मजेदार सवाल भी पूछ लिए। सिद्धार्थ कनन ने जब अरुणिता से सवाल किया कि उनके लिए पवनदीप एक दोस्त के तौर पर और करियर में कितना मायने रखते हैं, तो अरुणिता ने कहा कि जब हम लोग साथ में म्यूजिक करते हैं तो मुझे हमेशा एक्साइटमेंट रहती है हर चीज जानने की कि ये कैसे होता है और वो कैसे होता है। और पवनदीप को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं, ये हारमोनियम के डेक्स पर भी तबला बजा लेते हैं, तो ये सब देखते और जानते जानते हमारी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई है। वही जब पवनदीप राजन से पूछा गया कि ऐसी क्या चीज है जो उनकी और अरुणिता की दोस्ती को स्पेशल बनाती है, तो पवनदीप ने कहा कि हम दोनों की दोस्ती एक म्यूजिक दोस्ती है, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ, वो बहुत ही कमाल की सिंगर है। एक बार हम जैमिंग सेशन कर रहे थे तो वहाँ देखा कि ये बहुत कमाल का गा रही थी और अरुणिता एक धुरंधर कलाकार है। इसी दौरान सिद्धार्थ कनन ने अरुणिता, पवनदीप और शनमुख प्रिया से एक मजेदार सवाल पूछा, जिसका जवाब सुनकर पवनदीप थोड़ा नाराज भी हो गए। जब सवाल पूछा गया कि इन तीनों में सबसे ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड कौन है, तो अरुणिता ने पवनदीप की तरफ इशारा किया। अपना नाम सुनकर पवनदीप ने अरुणिता से तुरंत कहा, कैसे पता आपको, मैंने तो आप पर कभी गुस्सा ही नहीं किया। बता दें इंडियन आइडल 12 को पवनदीप राजन ने जीता था, जबकि अरुणिता कांचीलाल शो की फर्स्ट रनर अप रही। शो खत्म हो चुका और पवनदीप अरुणिता आगे के प्रोजेक्ट में बिजी हो गए हैं। तो आप भी इनके इस गाने को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडियन आइडल 12 का खिताब जीतने वाले पवनदीप राजन पर तोहफों की बौछार हो रही है। अभी हाल ही में पवनदीप राजन को सरकार ने कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि पवनदीप राजन ने समान स्थितियों से उठकर अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पवनदीप राजन जीत के बाद सीएम के आवास में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। पवनदीप राजन ने स्वतंत्रता दिवस पर हुए फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले में खिताब अपने नाम किया। उनको प्राइज में चमचमाती कार और 25 लाख रुपए मिले। उत्तराखंड के रहने वाले पवनदीप राजन अच्छा गाते हैं। पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट रहे जो गाने के साथ साथ लगभग कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। वो पहले भी एक सिंगिंग रियलिटी शो जीत चुके हैं।